उस बच्चे को वो सब चीजें वो आप लोगों से वो बाकी लोगों से वो शेयर कर सके, इसलिए हमें उसे अलग से प्रोटेक्शन देने की जरूरत महसूस हुई। क्योंकि जब तक हमारा बच्चा सेफ महसूस नहीं करेगा तो बच्चा ग्रोथ नहीं करेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। आप उसको क्लास में लेके बैठोगे और वो बच्चे के दिमाग में कुछ ना कुछ अलग चीजें चल रही है तो आप कितने अच्छा से अच्छा पढ़ा लीजिए, बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। जो आप बच्चे को देना चाहते हैं वो नहीं बच्चा गेन कर सकता अगर बच्चा उस एनवायरनमेंट में सेफ फील नहीं कर रहा। तो पहली आवश्यकता हमारी इसीलिए महसूस हुई कि हमें बच्चों को अलग से राइट देने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चा जो है वो टोटली अडल्ट पे डिपेंड करता है। बीइंग यंग, छोटे बच्चे की तरह हम उसकी आवाज को दबा रहे हैं, या ये कह लीजिए कि चाइल्डहुड जो है वो फॉर्मेटिव पीरियड है, मींस कि उसका पूरा फ्यूचर उसकी लाइफ में वो बच्चा कहां तक प्रोग्रेस करेगा ये उसके चाइल्डहुड पे डिपेंड करता है। तो उसका चाइल्डहुड जो है वो बहुत प्रोटेक्टिव और सिक्योर होना चाहिए। जैसा कि हमने बोला कि एडोलेसेंस, जब बच्चा आजकल तो एडोलेसेंस की एज जो है वो बिलो हो गई है, पहले हम 13 से 18 तक देखते थे, अब हम 9 या 10 ईयर से लेते हैं, तो बच्चे की जो एडोलेसेंस की एज है वो बहुत क्रिटिकल एज है। अगर वहां हमने बच्चे को प्रोटेक्शन नहीं दिया, उसको सेफ फील नहीं करवाया,